महंगा पौधा ड्रेसिना। बिना गलती के हम एक से तीन बनाने वाले हैं, किस तरह से हम इसकी कटिंग लगाएंगे ताकि 100% हमें रिजल्ट मिले, देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, ये है मेरे ड्रेसिना के प्लांट। एक प्लांट से मैंने दूसरा प्लांट तैयार किया है। अब जो दूसरा वाला प्लांट है, जो हमारा कटिंग से बना हुआ है, एक साल का प्लांट है, इससे हम दो प्लांट और बनाने वाले हैं, यानी एक से तीन हमारे प्लांट हो जाएंगे। तो ये वाला जो प्लांट है, ये प्लांट मेरा स्टार्टिंग में जब मैंने नर्सरी से लिया था वो है, और इसी में से मैंने कटिंग करके ये वाला प्लांट तैयार किया है। तो आप देख सकते हो, इसकी छोटी सी कटिंग लगाई थी मैंने पिछले साल, और अच्छे से ग्रोथ पे ये इतना बड़ा प्लांट हो गया है। तो आज हम इसको कट करके तीन प्लांट तैयार करेंगे। देखिए, बिना गलती के हम लगाएंगे। ज़्यादातर कटिंग लगाने का जो तरीका होता है वो हर का एक जैसा होता है, लेकिन कटिंग को कट करने से पहले हमें चाकू पे फंगीसाइड पाउडर या फिर सीजर पे हमें कोई भी ऐसी हल्दी वगैरह लगा लेनी चाहिए, ताकि हमारे प्लांट्स को फंगस ना लगे जहाँ से हमने कट किया है। अब आगे भी आपको एक तरीका बताऊंगी। देखिए, इतना बड़ा जो मेरा प्लांट है, इसको मैंने कट कर लिया है। अब ये जो बड़ा प्लांट है, देखिए, मेरा मन तो नहीं किया इसको कट करने का, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ इसको हम एक से तीन बना लें। तो देखिए, ये वाला जो प्लांट है, इसकी डायरेक्ट भी मैं कटिंग लगा सकती हूँ यूं का यूं कट करके, लेकिन फिर हमारे दो ही प्लांट बनेंगे। लेकिन ये जो प्लांट है काफ़ी लंबा है, इससे मैं दो प्लांट कट करूँगी। देखिए, एक कटिंग यहाँ से हम कट करके ले लेंगे, तो इस प्लांट से हम दो कटिंग लेंगे, यानी दो कटिंग बना लेंगे इस प्लांट की, और एक हमारा जो गमले में लगा हुआ है वो भी प्लांट बनेगा। कहाँ से उसमें नई नई पत्ती आएंगी वो भी बताऊँगी, लेकिन उन पत्तियों के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको बचाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, और ये जो पत्ते हैं इसके, देखो कितने खूबसूरत प्लांट हैं। अब फ्रेंड्स, आपको बताती हूँ, ये वाला जो प्लांट है ये ड्रेसिना है, इसको विक्टोरिया प्लांट भी कहते हैं, इसको कॉर्न प्लांट भी कहते हैं, और ये इंडोर प्लांट है, कम धूप में चलता है, थोड़ी बहुत धूप में भी चल जाता है, ज़्यादा केयर की डिमांड नहीं करता है, यानी थोड़े से पानी में और थोड़ी सी धूप हो, ज़्यादा धूप से यानी जून वाली धूप से इसको बचाना होता है, बाकी ये बिल्कुल कम देखभाल में लो मेंटेनेंस में चल जाता है। देखिए, ये जो प्लांट है ये परमानेंट है। मेरा जो ये प्लांट है 6 साल का था, और 6 साल से मैंने एक प्लांट, यानी पिछले साल ही मैंने इसकी कटिंग लगाई थी जो मेरी 100% लग चुकी थी, और ये इतनी ग्रोथ होकर ये लंबा लंबा बढ़ता जा रहा था। और कई वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी, जब वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अब देखिए, ये जो पत्ते हैं, एक्स्ट्रा पत्ते नीचे नीचे वाले, हम इसको हटा देंगे। हमें पूरा ही इसको कट नहीं करना है, सारी पत्तियों को नहीं हटाना है, जो हमने इसकी एक कटिंग ली है अलग से उसको तो ऐसे बना लेना है, इसकी तो पत्तियाँ कट कर लेनी है, लेकिन जो ऊपर वाला जो भाग है उसको कट नहीं करना है। तो देखिए कितनी सारी पत्तियाँ, कितना घना था ये प्लांट। और देखिए, यहाँ से मैंने कटिंग ली थी पिछले साल, और दूसरा पौधा जो अभी कटिंग ली है वो बनाया था, और साइड में से फ्रेंड्स दो प्लांट निकले थे जहाँ से मैंने कट, मैं बताऊँगी आपको आगे। देखिए, सबसे पहले मैंने ये ले ली है कटिंग दो। अब ये वाला जो प्लांट है, यहाँ से हमने कट किया है, तो इसके ऊपर लगा देंगे हम हल्दी पाउडर, फंगीसाइड पाउडर है तो वो भी लगाएं। और ये जो गमला है बिल्कुल भूर गया है, ख़राब सा हो गया है, टूटने लगा है, तो इसकी जगह मैं अलग गमला लूँगी, कभी कोई सेल करने वाला आएगा तब। और एक बार के लिए देखिए, ये जो प्लांट है इनको मैं निकाल रही हूँ, इनको दूसरे गमले में लगा दूँगी। ये जो प्लांट है देखिए, इनके बल्ब हैं, और वैसे तो ये जो प्लांट है ये 4 o'clock प्लांट है, बीच से मैंने तैयार किए हैं। देखिए, ये जो प्लांट है पहला मेरा जो पुराना है, जो मैंने पिछले साल कटिंग से लगाया था, इसकी थोड़ी सी हम गुड़ाई कर देंगे, और इसी के अंदर से मैं थोड़ी सी मिट्टी ले रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरा पॉट है ये छोटा है। तो जब भी आप ड्रेसिना प्लांट की या कोई भी महंगा महंगा प्लांट हो जो बड़ा सा हो, उसको आप कोई गमले में ही लगाए, कोई भी पॉली बैग ले तो भी बड़ा ले, यानी थोड़ी सी मिट्टी में ऐसी कटिंग नहीं लगती हैं। अब ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ताकि ये इसमें फंगस वगैरह हो, कोई भी अगर कीड़े वगैरह हो तो वो मर जाते हैं हल्दी से, और हल्दी जो है रूटिंग हार्मोन्स का भी काम करती है। मिट्टी के अंदर आप हल्दी मिलाएं तो भी पौधे की जो जड़ हैं वो जल्दी से निकल आती हैं।
तो आप देख सकते हो ये जो मिट्टी है ये मेरी पहले की पुरानी मिट्टी थी। और फ्रेंड्स कटिंग के लिए अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो आप मिट्टी नॉर्मल ले आपके गार्डन की और उसमें खाद मिलाए, फंगीसाइड पाउडर मिलाए, बस वो मिट्टी तैयार करके कटिंग लगाएं। तो ये जो कटिंग है ये काफ़ी बड़ी है, ये थोड़ी सी छोटी है दूसरी वाली, तो इसके ऊपर भी मैं हल्दी लगा रही हूँ। और नीचे वाला जो पार्ट है जहाँ से हमने कटिंग लगाई है उसको थोड़ा सा आप टेढ़ा कट कर ले। देखिए बहुत ही हार्डी प्लांट है और उसकी जो कटिंग है वो भी थोड़ी सी काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। तो देखिए एलोवेरा जेल लगा रही हूँ मैं, ना कोई रूटिंग हार्मोन्स मार्केट से ला के कटिंग लगाती हूँ, मैं सिर्फ एलोवेरा जेल या हल्दी का यूज करती हूँ। तो ये जेल थोड़ा सा ऊपर तक आप अच्छे से लगा ले और फिर मिट्टी के अंदर ऐसे थोड़ा सा गड्ढा सा बना के और फिर उसके अंदर इस कटिंग को आराम से लगा दे और ये एलोवेरा जेल इसके ऊपर लगा रहेगा और फिर हमारी जो कटिंग है 15, 20 या 25 दिन में आराम से लग जाएगी। देखिए फ्रेंड्स वैसे तो कटिंग जो है 10 दिन में ही अपना काम शुरू कर देती है, लगना रूट्स आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन ऐसे महंगे पौधे और बड़े बड़े पौधे होते हैं इनको हमें 10 दिन के अंदर छेड़ना नहीं होता है, हमें कम से कम 20 या 25 दिन का वेट करना होता है। जब अच्छे से ये ग्रोथ होएगी, इसमें ये लग जाएगी तो इसमें न्यू न्यू पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी और ग्रोथ जो होगी तो वैसे भी पता चल जाता है कि पौधा ये बढ़ रहा है, तो तभी हमें इसको छेड़ना है। तो देखिए दोनों कटिंग मैंने एक ही पौधे में लगा दी है, अब मेरे 1 से 3 प्लांट हो गए हैं, एक तो पहले वाला हो गया, 2 मेरे ये नए तैयार हो जाएंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी अभी 4 प्लांट हो गए हैं और 10-15 दिन के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी, इसका अपडेट भी देती रहूंगी। फ्रेंड्स इस तरह से कटिंग लगाए एलोवेरा जेल लगा के, देखिए मैंने इसकी कटिंग लगा ली है और ऐसे ही मैंने 1 से 2 बनाए थे, अब मैंने 1 प्लांट से 3 बना लिए, हमारे 3 हो जाएंगे। और ये वाली जो पत्तियां हैं मेरा फेंकने का मन नहीं कर रहा है, तो इनका हम डेकोरेशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कोई गमले में भी इनको गाड़ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे पास एक गमला है दूसरे पौधे के साथ, उसको मैं इन पत्तियों को उसमें गाड़ दूंगी क्योंकि मैं फेंकने वाली नहीं हूँ, जितने दिन मेरे गार्डन में ये हरी रहेंगी उतने दिन मैं इनको रखूँगी क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा है इनको बाहर कचरे में फेंकने का। बाकी इनका यूज आप गार्डन में ही कर सकते हैं, जब ये सूख जाती हैं तो भी इनको आप डेकोरेशन कुछ भी बना सकते हैं या फिर इनका आप गमला भरने में यूज कर सकते हैं। अब ये वाला जो प्लांट है इसके अंदर देखिए मैंने गर्मियों में मल्चिंग की थी, इसमें छोटे छोटे स्टोन हैं तो स्टोन से गर्मियों में जब ज़्यादा धूप होती है तो ऐसे आप मल्चिंग कर सकते हैं पौधों की जड़ों को बचाने के लिए, पौधों को सूखने से बचाने के लिए। तो इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंकर से हैं, उनको मैं निकाल लूँगी और इसकी थोड़ी सी गुड़ाई करूँगी और इसी के अंदर ही 2 मेरे जो प्लांट है विनका के भी अपने आप उग आए हैं फ्रेंड्स, तो उनको मैं नहीं निकालने वाली, वो तो एक साइड में है थोड़ी सी मिट्टी में लगे हैं। देखिए सारे पत्थर मैं इसके अंदर से निकाल रही हूँ और देखिए फ्रेंड्स ये जो पौधा है इसको अभी हमें खाद देना बेहद ही ज़रूरी है, तो खाद अभी मेरी टेरेस पे है और ये जो प्लांट है मेरे छज्जे पे रखे हुए हैं, तो ये गुड़ाई वगैरह तो मैंने कर दी है, अब इसमें हम खाद डाल देंगे और सूखी मिट्टी है तो पानी भी दे देंगे। तो ऐसे आप बरसात के बाद अपने पौधों को खाद दे ताकि उसको दोबारा से पोषक तत्व मिल जाए, बरसात में जो हमारे मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं वो बह जाते हैं निकल जाते हैं। तो देखिए अब इन पौधों को मैं वहीं पे रखूँगी जहाँ पे ये पहले रखे थे और ये गमला देखिए फ्रेंड्स ऊपर से टूट चुका है, बिल्कुल भुरभुरा हो चुका है। अभी मेरे पास कोई नया गमला नहीं है, मैं एक गमला लेके और इस प्लांट को भी यूं का यूं मिट्टी के समेत निकाल के उस गमले में लगा दूंगी, रिपोर्ट कर दूंगी। तो ये जो हमारा प्लांट है इस पे ऊपर हल्दी मैंने लगा दी है, अब इसके अंदर साइडों में से न्यू पत्तियाँ निकलेंगी, नए पौधे बन जाएंगे। तो मेरे अभी तो मेरे पास 4 पौधे हैं, 2 मैंने लगा लिए कटिंग से, एक पहले वाला है एक अलग से है, वो भी मैंने कटिंग ली थी तो उसके साइड में से ऐसे ब्रांच निकली थी यानी पत्तियां निकली थी, फिर ये पौधा बना था। देखिए ऐसे यहाँ से मैंने कटिंग ली थी और इसके साइड में से ये पौधा बना था, 2 बने थे फ्रेंड्स, एक को मैंने अलग कर दिया था, किसी को दे दिया था। तो ऐसे भी पौधे बन जाते हैं, जहाँ से हम कट करते हैं वहाँ से निकल आते हैं नए नए पौधे। तो देखिए मिट्टी सूखी हुई है, इनमें हम थोड़ी थोड़ी खाद भी देंगे फ्रेंड्स, वर्मी कंपोस्ट डालें चाहे गोबर की खाद, इनको बहुत ही पसंद होती है
क्योंकि उनमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है और नाइट्रोजन जो होती है वो पत्ती वाले प्लांट के लिए बेस्ट होती है। तो वहाँ सफाई करके मैं इनको अब रख देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई करके इनको यहाँ रख दिया है, यहाँ इनको छाया भी मिलती रहेगी और ये जो प्लांट है एक जगह टिके रहेंगे, ना कोई इनको छेड़ने वाला ना हिलाने वाला। तो हमारी जो कटिंग है 15 दिन के बाद मैं दिखाऊँगी आपको, इसकी ग्रोथ दिखाऊँगी और इसका क्या अपडेट रहेगा वो भी शेयर करूँगी। तो अगर आपके पास महंगे महंगे पौधे हैं तो आप भी ऐसे कटिंग लगा सकते हैं, 1 से 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।